ओके सो एक्सरसाइज नंबर 14.1 सम नंबर थर्ड एंड पार्ट नंबर अकॉर्डिंग टू योर सम वी हैव टू डू योर द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ठीक है? बिकॉज बोथ आर रिलेटेड विद योर सब्ट्रैक्शन साइन, देन हाउ टू टेक केयर द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, किस तरीके से आप देख लेंगे वहां पर. सेकेंड वन 15xy minus 6x plus 5y minus 2. तो ये आपका फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सम था. रीग्रुपिंग हमें यहाँ पर करना है. रीग्रुपिंग में मैंने आप बच्चों को ये कहा था कि इसमें आपका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से आप ये स्टेप करते हैं. देन यू विल टेक देयर द पेयरिंग ऑफ द टर्म्स की आप पेयरिंग यहाँ पर पहले बनाते हैं, उसके बाद उस पेयरिंग में से कॉमन फैक्टर आप सेलेक्ट करते हैं. देन जो भी आपका कॉमन फैक्टर आपका सेलेक्ट होता है फ्रॉम द बोथ पेयरिंग, कि ये आपका फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड पेयरिंग है, फ्रॉम द बोथ पेयरिंग जब आपका कॉमन फैक्टर सेलेक्ट होगा तो रिमेनिंग जो भी वैल्यूज होंगी आप उन्हें ब्रैकेट में देते हैं, और जो ब्रैकेट वैल्यूज होंगी वो आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं, बोथ आर सेम, ठीक है? तो ये प्रोसेस पहले हम यहाँ पर सीख रहे थे, और ये मेथड मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज द रीग्रुपिंग मेथड. इस मेथड में आप टर्म्स को अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज भी कर सकते हैं, कि भाई कॉमन फैक्टर के लिए यदि आपको ऐसा लगता है ना बिटवीन ऑफ देम, हाँ मैं ना यहाँ पर कॉमन लेना ही चाहते हैं, कोई भी टर्म वहां पर कॉमन आए, ठीक है, तो रीअरेंज भी कर लेते हैं कई बार. तो यहाँ अभी हम रीअरेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसी में से लेना चाह रहे हैं, और हम यदि इसमें से लेना चाहेंगे देन हाउ टू टेक देयर द कॉमन फैक्टर. वी हैव देयर 15xy. इससे पहले मैंने जब आपको कॉमन लेना सिखाया था तो वहां पर जो भी न्यूमेरल वैल्यूज थी उनके लिए आपको ये बताया था कि आप वहां पर क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स बना दें, प्राइम फैक्टर्स लिख दें, जिससे कि आपको इजीली वहां पर शो हो जाता है कि इनमें से कॉमन क्या है. अब ये तो नहीं है, अब धीरे धीरे हम अपना क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे. क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, कि अब जो हमारे पास डायरेक्ट टर्म्स है हम यहाँ पर लेना डायरेक्ट ही सीखेंगे कि क्या इनमें से कॉमन आ सकता है, कि जो भी इसके कोएफिशिएंट्स हैं इनमें क्या कॉमन हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले है 15 एंड 6. अब 15 एंड 6 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों सेम टेबल में आते हैं ना कहीं ना कहीं, तो वो आपका कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में ये 6 और 15 आपको मिल जाते हैं? 3 है ना? थ्री. हाँ, 3. ओके, करेक्ट है, 3 है. तो यहाँ हम इन दोनों के लिए जो कॉमन है वो क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 सेलेक्ट करेंगे. ओके, वी विल सेलेक्ट हियर द 3. नाउ द वेरिएबल्स, अब आपके पास यहाँ पर x है, इन दिस ऑल्सो वी हैव हियर द x. अब यहाँ पर ये दोनों ही वेरिएबल सेम है, तो जो सेम होगा उसी को तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेंगे, उसी का ही तो फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाता है, कॉमन होगा. तो जो कॉमन फैक्टर है विद द वेरिएबल दैट इज x, वो क्या हो गया आपका, x हो गया. अब यहाँ जो सेकंड वेरिएबल है वो है आपका y, बट जो इसकी सेकंड टर्म है 6x वहां पर y नहीं है भाई, वो वेरिएबल नहीं है, शो ही नहीं हो रहा. तो जहां पर नहीं शो हो रहा है तो ये y आपका कॉमन नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अ कॉमन फैक्टर बिटवीन देम. तो अब हम रिमेनिंग टर्म्स को यहाँ पर क्या करेंगे, कीप इन द ब्रैकेट आप यहाँ पर पुट कर दीजिए. इसमें से जो रिमेनिंग रहा है वो क्या होगा, रिमेनिंग क्या होगा, इससे पहले भी मैंने आप बच्चों को ये सिखाया है कि बेटा रिमेनिंग वैल्यूज के लिए यदि आपको वो कैलकुलेट करना नहीं आता है तो वो रिमेनिंग वैल्यूज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं.
देन जो भी मेन आपका यहाँ पर टर्म है वो मेन टर्म जैसे कि आपका है 15xy, ओके, और जो टर्म आप यहाँ पर कॉमन लेते हैं, जो भी टर्म आप यहाँ पर कॉमन लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाँ बेटा, तो जो भी टर्म आप यहाँ पर कॉमन लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 3x लिया है कॉमन, तो ये 15xy किससे डिवाइडेड हो जाता है, 3x से, जिससे कि है ना। तो अब आप यहाँ पर डिवाइड जब प्रोसेस करेंगे तो आपको ये रिमेनिंग टर्म क्या मिल रहा है, 5y। इट मीन्स इन दिस ब्रैकेट वी हैव टू राइट हियर 5y, कि इसका जो भी रिमेनिंग वैल्यू है आफ्टर टेकिंग देयर द कॉमन फैक्टर, तो वो आपका रिमेनिंग क्या रहेगा, 5y। ये चीज क्लियर करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको ये लिखना नहीं आएगा तो आप हमेशा यहाँ पर गलत ही लिखेंगे, रॉन्ग होगा वो। ये चीज क्लियर हो गया, देन हाउ टू राइट हियर द रिमेनिंग टर्म, इफ वी विल टेक हियर द कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर जब लेते हैं तो ब्रैकेट की टर्म्स को किस तरीके से लिखा जाता है, वो रिमेनिंग टर्म किस तरीके से लिखी जाती है। क्लियर है बेटा सबको, सबको ओके। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट के लिए मैं डायरेक्ट लिखूंगी माइनस साइन, सो पुट हियर द माइनस साइन, बिकॉज वी हैव हियर द प्लस, जो भी आपका 3x है वो प्लस का टर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस, जब भी आपके आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट होता है तो जो भी आपकी ब्रैकेट की टर्म्स होती है उसका साइन आपका सेम ही रहता है। इफ यू हैव हियर द प्लस देन प्लस, इफ यू हैव हियर द माइनस देन माइनस, ओके। अब रिमेनिंग टर्म्स बताइए, आप बच्चे बताइए। चलिए हमने यहाँ पर 3x कॉमन, हाँ बोलो, 2, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या हुआ, 2। हमारा फर्स्ट ये कॉम्बिनेशन जो है वो फिनिश हो गया है, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम सेकेंड जो पेयरिंग है उसके लिए वर्क करेंगे, हम यहाँ पर सेकेंड पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चल रहे हैं। सेकेंड पेयरिंग में क्या है आपके पास, 5y माइनस 2। अब ये जो 5y माइनस 2 है आपका, यहाँ तो मुझे कुछ भी सेम नजर नहीं आ रहा भाई, जो इसका y का कोफिशियंट है वो 5 है और जो नेक्स्ट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, और दोनों ही सेम नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, इसमें y है 5y के साथ, वहां पर y दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो भाई कॉमन क्या लेते हैं उस समय जब हमारे पास कॉमन कुछ भी ना हो, दैट टाइम वी हैव टू टेक देयर वन एज ए कॉमन फैक्टर। उस समय हम क्या लेते हैं कॉमन फैक्टर के तौर पर, 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी नंबर है उसके यदि हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं तो 1 ऐसा नंबर है जो कि सबका क्या होता है, फैक्टर होता है ना भाई। 1 से क्या होता है, हर नंबर डिवाइसिबल होता है, तो 1 सभी का क्या है, फैक्टर होता है, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों के लिए वो कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे, 1। और कब लिख रहे हैं वो 1, जब हमें दोनों ही टर्म्स में कुछ भी कॉमन ना मिले, ना ही वेरिएबल और ना ही आपका कांस्टेंट टर्म जो भी उसका वहां पर शो हो रहा है, जैसे कि 5 और 2 में से मैं यहाँ पर कॉमन नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, 1। बट वी हैव टू पुट हियर द साइन ऑल्सो, भाई यहाँ पर साइन भी मुझे पुट करना होगा, ये मल्टीप्लाई थोड़ना है, ये तो आपका देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन यहाँ पर बिटवीन है यहाँ, तो यहाँ आपको बिफोर 1 वी हैव टू पुट हियर द प्लस और द माइनस साइन, वो हमें पुट करना होगा। तो कैसे डिसाइड करें कि प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, है ना। तो हमने कहा जो हम सबसे पहले ऑप्ट करना चाहते हैं हमेशा, तो हर बच्चा ये कहता है अरे प्लस साइन लिख दीजिए, है ना। अब प्लस साइन यदि मैंने यहाँ पर पुट किया, प्लस 1 पुट किया, तो रिमेनिंग टर्म्स मुझे ब्रैकेट में देनी होगी, क्योंकि 1 हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, तो जो भी टर्म्स है वो एज इट इज ही आपकी क्या होंगी, ब्रैकेट में पुट हो जाएंगी। जब भी आप 1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में जब भी आपको वैल्यूज वहां पर देना होगा, वो रिमेनिंग टर्म जब भी आपको लिखना होगा, तो क्या होगा कि वो एज इट इज ही लिख दी जाती है। अब कैसे लिखी जाती है, तो देखो साइन का क्या इफेक्ट होता है वो समझिए आप यहाँ पर, ठीक है। इफ
आई विल पुट हियर द प्लस साइन, कि मैंने जैसे यहाँ पर प्लस साइन पुट किया हुआ है, तो प्लस के लिए मैंने क्या बताया है कि प्लस साइन होने से जो भी आपके रिमेनिंग टर्म्स होती हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनके साइन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यदि वो आपका प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, यदि वो आपका माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, वी हैव टू राइट योर 5π-2 एज इट इज टर्म हमें लिखनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 कैसा लिया है, प्लस साइन में लिया है। अब बाय चांस मैंने कहा नहीं, मैं तो माइनस साइन में लेना चाह रही थी, ठीक है, हम कह रहे हैं हम तो ये जो 1 है वो माइनस साइन में ऑप्ट करना चाह रहे थे भाई, ये तो जबरदस्ती है कि आपने प्लस साइन लिख दिया। ठीक है, होता है ना माइंड में, ये भी तो कॉन्सेप्ट आता ही है बच्चों के कि माइनस क्यों नहीं लिखा मैडम। तो माइनस साइन यदि मैंने यहाँ पर ऑप्ट किया, माइनस 1 लिया, तो क्या होगा, जो भी ब्रैकेट की टर्म्स होंगी, इफ आई विल टेक हियर द नेगेटिव साइन देन द ब्रैकेट टर्म साइन आर चेंज्ड, कि जो भी यहाँ पर आपकी टर्म्स दिखाई दे रही है आपको, इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कि यदि जो आपका प्लस है वो चेंज किस में हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और जो माइनस साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो साइन है ना, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब अब मैं जो ब्रैकेट की टर्म्स लिखूंगी, तो वो ब्रैकेट की टर्म्स किस तरीके से लिखी जाएंगी बेटा, ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और ये किस में चेंज हो गया, प्लस के टू, है ना। अब देखो, और हम क्या कह रहे हैं रीग्रुपिंग मेथड में, हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पर जो भी पेयरिंग बना रहे हैं, जो भी टर्म्स की पेयरिंग बना रहे हैं, आफ्टर टेकिंग देयर द कॉमन फैक्टर, कि उनमें से जो भी कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो जो भी आपके ब्रैकेट वैल्यूज आएंगी, जो भी आपकी ब्रैकेट में टर्म्स लिखी जा रही हैं, ये लिखा जा रहा है, ठीक है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सेम भी कैसे होना चाहिए, विद द साइन। यदि आपका 5y प्लस साइन का है तो नेक्स्ट में भी प्लस 5y ही आना चाहिए। इफ यू हैव देयर द माइनस 2 देन देयर आल्सो माइनस 2, वहां पर भी माइनस 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल आपसे कहता है कब, जब आप रीग्रुपिंग करते हैं अपनी टर्म्स को, वहां पर अरेंज करते हैं कॉमन फैक्टर लेने के लिए। तो अब देखिए क्या हुआ कि भाई यहाँ पर ये प्लस 1 था, इसलिए हमें 5y-2 मिला, जो कि ऑलरेडी हमारे पास था, और यदि हम माइनस 1 कर देते तो ये टर्म्स क्या हो जाती, इसके साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये माइनस 1 ऑप्ट नहीं करना है, ये माइनस 1 ऑप्ट नहीं करना है। ये चीज क्लियर हो गया बेटा कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम ये माइनस 1 ऑप्ट, यहाँ पर हमने प्लस 1 ही क्यों लिया है, है ना। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम आगे का जो स्टेप है वो करना चाहेंगे। आगे वाला स्टेप कैसे करते हैं, क्योंकि रीग्रुपिंग तो आपने समझा हुआ है, अब आगे क्या करते हैं, बिटवीन देम जो भी यहाँ पर आप कॉमन है पहले आप उसे लिख दीजिए, और जो भी रिमेनिंग टर्म्स है कीप इन द अदर ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट में उसे लिख दीजिए। तो आपका कॉमन क्या है, 5y-2, और अदर क्या है आपके पास, वो अदर है आपके पास रिमेनिंग 3x+1, कि जो आपने कॉमन फैक्टर्स यहाँ से सेलेक्ट किए थे ना, उन्हें आपने अदर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिए। ये चीज क्लियर हो गया कैसे, देखो दो स्टेप का सम है, है ना, लेकिन इस सम में आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है वो आपको देखना है, क्योंकि यदि वो आपने रूल्स ध्यान नहीं रखे तो दो स्टेप के सम में भी आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब देखिए इसमें आंसर कैसे चेक करेंगे बेटा, क्योंकि हम तो कहते हैं ना जो एलजेब्रिक आपकी जितनी भी सम्स होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी सम्स होते हैं, मैक्सिमम टाइम मतलब 99 point something, आप जो भी 99.99% इतना परसेंटेज इसमें रहता है, बल्कि 100% ही रहता है, कि उसमें हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं अपने आप से। कैसे चेक करेंगे, व्हेनेवर वी हैव टू मल्टीप्लाई देम,
कि इसे जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे आप, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए मैं मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ आपको, 5y मल्टीप्लाई विथ, ये तो आपने सीख लिया ना, सिखा दिया मैंने आपको, माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 3x प्लस 1 है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 15xy प्लस 5y माइनस 6x, माइनस साइन है आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट, तो फिर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे आपके आफ्टर ओपन देयर द ब्रैकेट, तो यहाँ पर माइनस एंड देन माइनस 2, ठीक है। तो देखिए जो लास्ट में हमें रिजल्ट मिला है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 15xy प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2, तो जो सम हमें पहले से गिवन था आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें वही मिलना चाहिए कि जो इसके हमने यहाँ पर ये लिखे, क्या है ये, दीज आर द फैक्टर्स, कि ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं, जो कि हमें यहाँ पर टर्म्स दी गई थी, जो हमें यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लिखा गया है, इसके हमने इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या बनाए हैं, फैक्टर्स बनाए हैं, कौन सा मेथड यूज किया हमने, रीग्रुपिंग मेथड हमने यहाँ पर यूज किया इसके लिए। ये आपको क्लियर हो गया कि अब यदि इसमें 14.1 में जो थर्ड सम है आपका फैक्टराइज करने का, तो क्या अब जो इसके, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, तो 6 यदि हमारा उस तरफ आया है, हाँ सुनो, यदि 6 हमारा रीग्रुपिंग में तो चेंज आएगा ना, हाँ रीग्रुपिंग में तो चेंज कर सकते हैं, हमें लास्ट में चेकिंग में यदि इस तरीके से टर्म्स आती हैं, तो हमें केवल ये चेक करना है कि जो हमारा सम है क्या उसकी ईच टर्म इस मल्टीप्लीकेशन से मैच करती है विद द साइन, यदि नहीं करती है तो फिर हमारा ये फैक्टराइजेशन रॉन्ग होगा, और यदि ये पूरा टर्म्स हमारा जितनी 4 टर्म्स है वो सभी मैच करता है विद द साइन, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो उससे आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यदि ये आपका बाद में मिला है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हमें तो केवल ये चेक करना है। हाँ बेटा बोलो, चेकिंग भी करना है क्या एग्जाम में? नहीं, चेकिंग तो मैं इसलिए, देखो चेकिंग यदि आपने फेयर में कर लिया बाय चांस, मैंने कहा मैंने सम दिया था आपको और आपने मेरे एग्जाम में जो आपने सॉल्यूशन किया उसी के नीचे चेकिंग कर दी, तो बेटा चेकिंग में नंबर तो कैंसिल होने नहीं है आपके, है ना, और यदि आपने कर दिया तो कोई टीचर ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, और आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा कि आपने वही चीज फेयर में अच्छे से किया और आपको हैंड टू हैंड आपका आंसर भी मिल गया कि नहीं जो भी आपने सॉल्यूशन किया था दैट इज करेक्ट, ओके। तो हाँ, तो चेकिंग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई भी टीचर ऑब्जेक्शन नहीं करता यदि आप उस वहां पर ही उसकी चेकिंग करते हैं, बट वो फेयरली होना चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा रफली कर दिया, वो बच्चे जो करते हैं ना यहाँ पर कि उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, अरे 17 को 17 से करना है तो वो मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला चेकिंग वर्क ऐसा नहीं चाहिए, ये इस तरीके से नीटली वर्क चाहिए, है ना, ठीक है, ओके बेटा क्लियर है। अच्छा तो फिर ये जो आपका 14.1 का जो थर्ड सम है ना, जो रिमेनिंग सम है यहाँ पर, तो कैन यू डू योर सेल्फ? यस मैम, सारे बच्चे कर लेंगे ना, जितने भी बच्चे अभी है प्रेजेंट, ओके। तो मैं अब नहीं करवा रही हूँ, फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका हम ले लेंगे, क्लास ले लेंगे, कि यदि आपको कुछ रहता है क्वेरी में। अब आपको जो करना है वो स्टार्ट करना है हमें 14.2, और 14.2 में जो मैंने आपको आइडेंटिटीज सिखाई थी ना, वो आइडेंटिटीज भी कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पर यूज में आ रही हैं, उसी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है, इन्हें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ये जो हमने जैसे यहाँ पर बनाए ना, आफ्टर टेकिंग देयर द कॉमन फैक्टर, कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिया और फिर फैक्टर्स बनाए हैं, तो अब आपका, हाँ बोलो मैम, एसएससी की क्लास हो गई, आ गई मैम, एसएससी की क्लास इतनी जल्दी आ गई, हैं?
मैम टाइम हो गया। अरे बड़ी जल्दी हो गया।